जी मार्थ का प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, काफी अच्छा ऑब्वियसली मामा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? रियली होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। स्टार्ट कर देने से होता है कि ब्लॉग स्टार्ट हो ही जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग में हमेशा मुझे आदत ही अर्ली मॉर्निंग उठती है। कल रात में मैं बहुत लेट से सोई थी, बहुत ज़्यादा लेट से, कुछ एडिटिंग का काम कर रही थी, कुछ शॉर्ट्स वीडियो का, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मतलब सोने में। लेकिन फिर भी मैं टाइम से उठ गई थी क्योंकि राहुल जी को जाना था ऑफिस ऑब्वियसली। तो मैं सोची कि चलो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ पहले, क्योंकि वो सोए हुए हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ ना, जब भी वो सोए रहते हैं ना तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। तो पहले मैं आके एक बार ना गैस काउंटर टॉप को ना पहले मैं एक बार अच्छे से गीले कपड़े से ना मतलब अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं और मेरा बेटा भी सोया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सोची कि चलो सब लोग जब तक सोए हुए हैं तो मैं नाश्ते की तैयारी करके रख देती हूँ। तो हस्बैंड नाश्ता में, उनको थोड़ा सा पराठा पसंद होता है, कचौड़ी पूड़ी पसंद होता है, ब्रेकफास्ट में रोटी पसंद होता है। तो इसीलिए मैं आटा गूँथ के पहले रख दूँगी, और क्योंकि इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आटा गूँथ के रख दूँगी, आलू की भुजिया बना दूँगी और गर्म गर्म पराठा के लिए रेडी कर दूँगी। आलू की भुजिया के साथ पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। तो सरसों तेल को काफ़ी जब मतलब ज़्यादा गर्म कर लेना, उसमें हरी मिर्च डाल दी हूँ, दो हरी मिर्च डाली हूँ। आप लोग ज़्यादा तीखा खाते होंगे तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। बहुत लोग लहसुन भी डालते हैं, कूट के मैं लहसुन नहीं डाली हूँ। और आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, हल्दी सॉरी पहले प्याज हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत टेस्टी फ्राई होता है, तो आलू का भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मुझे लगता है ऐसा ही कोई होगा जिसको आलू का भुजिया पसंद नहीं। का भुजिया जो मेरा रेडी हो चुका है और पराठा गरम गरम सेकूंगी। तो चाय चढ़ा दी हूँ, हस्बैंड उठ चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरा दही बैठ गया है। रात में दही जमा दी थी क्योंकि दही रहता है तो सही रहता है। अब गर्मी के टाइम पे ना डेली दही जमाना पड़ेगा, डेली का डेली, क्योंकि हस्बैंड को दही चाहिए खाने में। लंच के टाइम पर भी दही चाहिए उनको, डिनर पर भी दही चाहिए और ब्रेकफास्ट में भी दही चाहिए। तो अभी ऐसे जब बाबू को भी दही पसंद है, तो अभी तो मैं बाबू को दही नहीं देती हूँ क्योंकि अभी ना थोड़ा ठंड का मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से बाबू को दही नहीं देती हूँ। लेकिन ठंड के जब गर्मी का मौसम में बाबू भी दही खाता है, उसको पसंद भी है। तो यहाँ पे मैं चाय बैठा दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड को पहले जगा देती हूँ, उनको पानी दूंगी पीने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा खोल दे रही हूँ क्योंकि जब तक ये खोलूँगी नहीं ना तब तक मतलब एक अच्छा सा पॉजिटिविटी फीलिंग नहीं आता है। बेटा जी उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। छोना मेला उठ जाओ, बाबू मेला छोनू बेटू मेरा। चलो गुड मॉर्निंग हो गया, कितना सोएगा, चलो गुड मॉर्निंग हो गया। चलो इसका थोड़ा दे मान लीजिए, थोड़ा सा उठ जाएगा जल्दी से। इतना इसको प्यालू 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 वाले, छुपा छुपा इसको प्यालू चाहिए, प्यालू चाहिए सबसे। उठ जाओ,
चलो उठो। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिन है फ्राइडे और अभी मैं सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट की होती। पता है आज क्या हुआ? कल रात में मैं बहुत ज़्यादा लेट से सोई थी, बहुत ज़्यादा लेट से वो कुछ काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब 2 बज गया था मुझे, 2:30 बज गया था सोते सोते। आप कितने बजे सोए थे? वही लगभग कितने बजे? 2:30 बजे। तो ये भी 2:30 बजे, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहे थे, ये गेम खेल रहे थे। इनका काम ही है गेम खेलने। आप गेम खेल रहे थे ना? बोलिए ना। गेम खेल रहे थे ना आप? हाँ, झूठ मत बोलिए, आप गेम ही खेल रहे थे। कौन सा आप फोन पे? तो मेरा तो एडिटिंग का काम चल रहा था और ये क्या कर गेम खेल रहे थे। पता नहीं ये कितने बजे सोए। हम तो फिर वही 2:30 बजे करीब में हम फ़ोन रखे, थोड़ा सा गाना सुने, उसके बाद सोए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर करके, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद ना दिमाग जो है ना एकदम से ख़राब हो जाता है। क्या ख़राब हो जाता है ना, तो उसके थोड़ा सा मूड फ्रेश किए, उसके बाद सोए। और मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, क्योंकि सर में दर्द हो रहा। अभी चाय पीऊँगी, थोड़ा सा गर्म पानी और ग्रीन टी मैं पी चूँगी। मेरा ग्रीन टी भी ख़त्म होने वाला है, मंगवाना होगा। तो अभी है, अभी 5-6 दिन चलेगा। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बना के लेके आती हूँ। और आप लोग कैसे कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और अभी तो 4-5 दिन मुझे पूजा करना है नहीं, राहुल जी पूजा कर रहे हैं। मशीन सुबह सुबह 1 बाल्टी सेकेंड मशीन में कपड़े लगे हैं। इतना कपड़ा होता है घर में, इतना कपड़ा। और यहाँ हमारा चाय भी रेडी हो चुका है, अपने स्वामी जी को देते हैं। जब मेरा मतलब कि मॉर्निंग का काम पूरा ख़त्म हो जाता है तब हमारे पति देव जी उठते हैं। तो ये पानी पी चुके हैं, अब ये पी रहे चाय। गिरे नहीं, तो ये चाय पी रहे हैं। अब ये चाय पी के फ्रेश होंगे, नहाएंगे और बस नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि नाश्ता मेरा बन चुका है। पराठा भुजिया बनाई हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ। पराठा भी बनाई नहीं हूँ, अभी आटा गूंथी हूँ। अभी रंजना आ गई। हाँ रंजना, गेट खोले। हाँ लेट क्यों हुआ रंजना? आज फ्राइडे है इसलिए। हमको लग गया था कि आज शुक्रवार है तो रंजना लेट से आएगी। चलिए पहले चाय पी लीजिए। और यहाँ पे गरम गरम मेरा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, तो हस्बैंड को पहले मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी। और यहाँ पे मैं घी से पराठा सेक रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना वो रिफाइंड ऑयल वाला पराठा बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, इस वजह से वो नहीं खाते। और ये जो घी है ना देसी घी है, मतलब खुद से मैंने इसको बनाया है। मलाई निकालती हूँ ना तो उसी से बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट उनको पहले मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो यहाँ पर दही और आलू का भुजिया और पराठा, वो आज का ब्रेकफास्ट हमारा है। रेडी और नहाने के बाद मुझे थोड़ा सा ठंडा भी लगने लगा, तो मैं ये वाला पतला वाला जैकेट भी पहन ली। और अभी मैंने कुछ आज राहुल जी नहीं आएंगे अभी खाने पे, तो मैंने अपने लिए लंच कर लिया है जोमेटो से। सो अभी आता ही होगा थोड़ी देर में, लाइक 2-3 मिनट बाकी है अभी आने में। मैं नहाने गई थी ना तभी ऑर्डर कर दी थी, और आज पूजा वूजा करना नहीं था। सब राहुल जी आज पूजा वूजा किए हैं, और अभी नीचे जाऊंगी कि ऑर्डर लेने के लिए। अभी उसका कॉल आएगा थोड़ी देर में, तो अभी जाऊंगी नीचे लेने के लिए। अभी बाबू को भी मैं नहला वहला दी हूँ, और अभी आता है तो लंच कर लूँगी। लंच करने के बाद 1-2 वीडियो मुझे एडिटिंग करना है, कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू करना है। मैंने एक मामाअर्थ का प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छा। ऑब्वियसली मामाअर्थ तो अच्छा है ही, बट इसका फेस मास्क भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं कुछ फेस मास्क, अगर आप लोग को है कि अभी जैसे कि गर्मी का टाइम आ रहा है, तो इस टाइम पर हमें अपने की स्किन का बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और धूप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा धूप हो रहा है। इस धूप के लिए हम लोग ठंड के दिन में तरसते हैं कि नहीं? बाबू इसको बंद करो, पर्दा को बंद करो, तो बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है। और इस लड़का को देखिए, इसको अपना मस्ती सिर्फ चढ़ा हुआ है। मम्मी आ रही है, ठीक है? खाना आया, खाना लेके आते हैं पहले। Thank you.
खाना मेरा आ चुका है और मैं और बाबू खा लेंगे। अच्छा ये तो खाना आ चुका है क्योंकि अकेले का खाना बनाने का मन नहीं करता। तो राहुल जी फोन करके बोले थे कि तुम अगर खाना नहीं बनाओगी तो खाना ऑर्डर कर लेना। तो इसको बंद करते, बहुत तेज धूप आता है। बालकनी में ना कटर लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, फिर बहुत तेज वाला धूप आता है। तो फिलहाल मैं ऑर्डर क्या की थी मैं आपको बता देती हूँ। सोया चाप मसाला सोया चाप एंड राइस। तो पहले मैं खाती हूँ उसके बाद में। बेड ठीक क्यों, और अब आपको दिखाती हूँ बेड का, पूरा बेड का क्या हाल ये लड़का बना दिया। एक सेकेंड, ये देखिए पूरा बेड का ये हाल ना क्या बना कर रखा है ये लड़का बनाया ये। अभी तो अब तुमको टैग हो गया तुम्हारा, पर तो वहाँ ठीक कर दिया हम। क्या कर दिया पूरा बेड का हाल? बेड का है तुम खराब किया है। तुम बेड काट दिया बाबू किया है? नहीं बाबू ने किया, तू किया। ये इसको फोल्ड करके रख दी दोनों ब्लैंकेट, जैसे कि रात में राहुल जी ये वाला ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ये उसको बंद करती हूँ। क्या करना है इतना ब्लैंकेट का तुमको? हाँ, और पूरा बिस्किट खा के जाता है फ्रिज में से आराम से निकालते है कुछ भी ला कर यही खाने से स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो पूरा बेड का हाल क्या करके रखा है। बेड तो पड़ी है, चलो हटो इसी पे सोएगा। अरे हाँ बेहाल कर दिया हुआ है, इतना बदमाश ये लड़का हो गया है ना। चलो इधर आओ सोना, चलो इधर आओ, चलो मम्मी के पास आओ, चलो दो। नहीं ये तो तू लेके चलना ही नहीं रही है, अभी नहीं लेना है, चलो इधर आओ पहले इधर। फिर तुम ये शर्ट क्यों पहना है? ये शर्ट मम्मी पहना है तुमको नहा के? ये शर्ट धोने के लिए रखा हुआ था ना, ये शर्ट धोने के लिए रखा हुआ था, क्यों पहना तुम ये शर्ट? दूसरा पहन लो बाबू, बाबू को यही शर्ट अच्छा लगता है। हाँ तुम्हारा कोई ले थोड़ी लेगा। चलो सबको बाय बाय बोल दो, बोलो बाय बाय बाय, बोलो लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए। चलिए गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे एक और लाइट लगाना पड़ेगा क्योंकि ठंड के टाइम पे इधर का लाइट कम था, तो रूम में अच्छा खासा लाइट आ रहा था, और इसको खोल दूंगी तो बहुत तेज वाला धूप आएगा। तो मैं सोच रही हूँ एक होटल यहाँ पे है तो एक यहाँ पे मैं लगा दूँ। इसी के साथ बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बोलो, बाय बोलो, पहले बाय बोलो, बाय।